हम क्यों अपने साथ गणेश जी को 10 दिन तक स्थापना करके रखते हैं? न्यू ब्लॉग आरजे ब्रदर ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। आज है गणेश जी का लास्ट दिन हमारे साथ। हमने गणेश जी को 10 दिनों तक स्थापना करके रखी थी, तो हम आज जाएंगे गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। लेकिन हम क्यों अपने साथ गणेश जी को 10 दिन तक स्थापना करके रखते हैं, ये तो हमें जानना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे क्यों हम रखते हैं हमारे साथ गणेश जी को 10 दिनों तक। और मैं गणेश जी का हम विसर्जन करेंगे बाद में, मैं आपको बताऊँगा क्यों हम अपने साथ गणेश जी को 10 दिनों तक रखते हैं। तो अभी चलते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम, ओनली मेक वेस्ट योर टाइम, चलते हैं सीधे गणेश जी के विसर्जन की तरफ। इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। भाई फाइनली अभी हम आ गए हैं हमारे जरिए पे, अभी हम यहाँ पे विसर्जन करने वाले हैं लास्ट, और आज लास्ट दिन है तो मस्त मौज भी आई। लेकिन हम अभी हम विसर्जन करने वाले हैं और यहाँ पे बहुत मौज मस्त किया। थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी हो गई थी बीच बीच में डीजे के लिए, लेकिन बहुत मौज मस्त की। अभी हम विसर्जन करेंगे थोड़ी ही देर में गणपति जी का, और मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्यों हम इन 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अगले बरस जल्दी आना, लेकिन लड़ाई के साथ मनाना भी प्लीज। अभी भाई डर डर के अंदर जा रहा है बैठ बैठ के, इसको बहुत डर लगता है अंदर जाने में। चलो भाई बाहर निकल जाओ, चलो चलो, नहीं तो पुलिस वाले मारेंगे। सुबह फाइनली मस्त विसर्जन हो गया है, अभी हम घर की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इन 10 दिनों तक हम क्यों अपने साथ गणपति जी को रोकते हैं। सबने बहुत मौज मस्ती की है, यह हमारा मनीष भाई। गणपति जी का विसर्जन हो गया है, लेकिन हमें जानना था क्यों हम हमारे साथ गणपति जी को 10 दिनों तक स्थापना करके रखते हैं। तो महाभारत के समय की बात है, जब वेदव्यास जी को महाभारत लिखनी थी पूरी, जब महाभारत खत्म हुई थी कंप्लीट संपूर्ण पूर्ण, वेदव्यास जी ने यह सोचा कि मुझे लिखा नहीं जाएगा तो मैं ब्रह्मा जी को प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दो
जो मुझे सरंत्र लिखते रहे और मुझे महाभारत का ग्रंथ लिख के दे। तो ब्रह्मा जी के पास गए और बोला कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मुझे सतत महाभारत पूरा लिख दे। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप जाइए गणपति जी के पास और उनको प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो बुद्धिशाली भी बहुत है और लिखने में बहुत सरल, लिखने में भी वो बहुत परिपूर्ण है, तो वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिर वेदव्यास जी गणपति जी के पास गए और गणपति से प्रार्थना की कि आप क्या मेरी मदद करोगे महाभारत लिखने में। तो गणपति जी ने कहा हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा लिखने में। तो फिर वेदव्यास जी और गणपति जी दोनों एक साथ बैठ गए और कंप्लीट, अब वेदव्यास जी को बोलना था, गणपति जी को एज इट इज लिखना था। उसमें ऐसा कुछ था कि बीच में रोक नहीं सकते, बोलना भी रोक नहीं सकते थे और लिखना भी रोक नहीं सकते थे। तो उन्होंने गणपति से कभी और गणपति जी कहा कि आप लिखना शुरू करो, मैं बोलना शुरू करता हूँ। गणपति को कहा कि आप अपनी आँखें बंद कर लो, तो गणपति जी ने आँखें बंद कर ली और उन्होंने स्टार्ट कर दिया लिखना। तो लिखते 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 10 दिन हो गए और 10 दिन तक वो लिखते ही रहे, लिखते ही रहे, लिखते रहे। और जब लिखना स्टार्ट किया था तब गणेश की चतुर्थी थी, भादरवा मास की गणेश चतुर्थी थी। और जब उन्होंने एंड किया और उन्होंने अपनी आँखें खोली तो वो इतने गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए, क्योंकि 10 दिनों तक अपनी आँखें बंद थी और लिखते रहे थे, आँखें बंद थी तो पूरी उन्होंने महाभारत लिख दी थी। तो 10 दिनों के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली, बहुत गर्म हो गए थे। तो वेदव्यास जी को उनकी जो गर्मी थी उनको ठंडक करने के लिए उन्होंने एक आइडिया सोची कि अभी उनके ऊपर माटी का लेप कर दिया, माटी का लेप कर दिया, वो ठंडे तो हो गए। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि दूसरे दिन गणपति जी को देखा तो सब उसके उनके ऊपर माटी की सब खोपड़ी हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब गणपति जी को समंदर में जाकर नहला देते हैं। तो समंदर में गए और गणपति जी को जो भी माटी थी वो नहलाई थी। तो मतलब उस दिन आनंद चौदस थी और उसी दिन गणपति जी को नहलाया था। मतलब हम जब गणेश की चतुर्थी मनाते हैं, जब गणेश की स्थापना करते हैं, तब गणेश की चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, तो हम तब हम स्थापना करते हैं। और उसी दिन उन्होंने स्टार्ट किया था लिखना महाभारत और एंड आनंद चौदस के दिन उन्होंने विसर्जन किया था। तो उसी दिन एंड हुआ था लिखने का और उनको नहलाया था समंदर में वेदव्यासी ने। तो यही कुछ कहानी थी कि हम अपने साथ गणपति जी को 10 दिनों तक बिठा के रखते हैं। तो इसी कुछ ऐसे ही कुछ कहानी से हम उनको अपने साथ 10 दिनों तक बिठा के रखते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन के साथ ये ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया है, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं एक और अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।